ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जिन लोगों की कमर में दर्द रहता हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता हो, रात्रि में वो इस दर्द के कारण सो ही ना पाते हों, तो वो लोग शिव पुराण का ये उपाय जरूर करें, जिससे उनकी कमर का दर्द, उनकी रीढ़ की हड्डी का दर्द, उनकी हड्डियों का दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो वो ये उपाय है कि आपको 5 बेलपत्र लेना है और 3 समी पत्र, उसको भगवान शंकर की शिवलिंग पर रख देना है। उसके बाद विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा जल को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जब आप विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा जल को शिवलिंग पर चढ़ा दें, उसके बाद जलाधारी से टपकता हुआ जल अपने पात्र में रोक लें। उसके बाद जब आप अपने घर आ जाएं, तो रात्रि में सोने से पहले जो जल कटोरी या जो भी पात्र में लेकर आए हैं, उसे विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा सा पी लें। उसके बाद आप आराम से सो जाएं। फिर देखना, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा, आपकी हड्डी में दर्द नहीं होगा। अगर आपको भरोसा ना हो तो ये उपाय जरूर करके देखिएगा, क्योंकि आज तक जितने भी उपाय आप लोगों को बताए हैं वो शिवपुराण की कथा को सुनकर ही बताए हैं। आज तक आपको कोई टोटका नहीं बताया, आपको यहाँ तक नहीं कहा कि यहाँ लौंग रखनी है या यहाँ नींबू काट कर चौराहे पर रखना है। आपको हमेशा भगवान शिव द्वारा शिवपुराण में वर्णित उपाय ही बताए हैं, जिन्हें आप करते हैं तो आप पर भगवान शिव की कृपा जरूर प्राप्त होती होगी, जो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। क्योंकि भगवान शिव मृत्यु लोक के देवता हैं, जिनके ऊपर यदि 1 लोटा जल भी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से चढ़ा दिया जाए, तो वो अपने भक्तों की पुकार बहुत ही जल्द सुन लेते हैं। और जब हम शिव पर जल चढ़ाते हैं, तो वो भगवान शिव पर ही नहीं बल्कि 33 करोड़ देवताओं को जल चढ़ाते हैं, क्योंकि शिवलिंग में महादेव के अलावा 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। जो लोग शिव पुराण का उपाय करते तो हैं, और वो सोचते हैं कि महादेव उनकी क्यों नहीं सुन रहे, उनकी इच्छा, उनकी मनोकामना क्यों नहीं पूरी कर रहे, तो वो शिव पुराण का उपाय करके 3 महीने तक मेरे महादेव का इंतजार तो करें। जितना आप देवों के देव महादेव से मांगते हैं, उसे कई गुना अधिक मेरे देवाधि महादेव आपको दे देंगे। विश्वास तो करिए, भरोसा तो रखिए मेरे महादेव पर। यदि आपको 3 महीने के बाद भी आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो, तो सोच लेना कि आप जितना महादेव से मांगे हैं, उसे कई गुना अधिक मेरे महादेव आपको देना चाहते हैं, जिसमें थोड़ा समय लगेगा। सही समय आने पर वो आपकी इच्छा जरूर पूरी कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, जब हम भगवान से कुछ जिद करके मांग लेते हैं, तो वो समय अच्छा ना होकर भी हमारी जिद के कारण भगवान हमें दे देते हैं। और जब उसके बाद हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, तो हम भगवान से यही कहते हैं कि आखिर क्यों दिया था, इससे अच्छा तो दिया ही ना होता। तो आप भरोसा रखिए, आपका जब अच्छा समय आएगा, तो उस समय को देख कर मेरे देव महादेव आपकी इच्छा जरूर पूरी कर देंगे। हर हर महादेव।